केंद्रीय बजट इस महीने की 23 तारीख को पेश होने वाला है। पंजाब और हरियाणा में सड़क किनारे ढाबा मालिकों को बजट में ऐसे उपायों की उम्मीद है जो उनके घटते कारोबार को सहारा दे। वे जीएसटी में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं, इससे उन्हें फूड आइटम के दाम घटाने और ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी ताकि उनका कारोबार बढ़े। जीएसटी वीएसटी वगैरह सब जो लग रहा है ग्रोसरीज पर और फूड पर लग रहा है, जो फूड आइटम्स पे, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ कम हो पाए। अगर हमारे पास हमें कम लगेगा तो सर हम कस्टमर से भी कम ले पाएंगे, कस्टमर्स को भी अच्छा लगेगा। अल्टीमेटली मतलब आम जनता पे असर जाने वाला है अगर जीएसटी कम होता है तो हमारी तो यही होप्स हैं सर कि नई गवर्नमेंट के अंदर हमें कुछ कम जीएसटी मिल पाए, जीएसटी जो फूड पर लगा हुआ है वो कम कर दे नए बजट में गवर्नमेंट। आम आदमी के लिए अच्छा होना चाहिए बजट, जिससे जीएसटी में थोड़ी बहुत कमी होनी चाहिए और आम लोगों के लिए अच्छा हो रहेगा इससे जो कि ज़्यादा कस्टमर भी आएंगे, तो यही छोटे मोटे व्यापारियों के लिए सही रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एनडीए सरकार का पहला बजट पेश करने जा रही हैं। पंजाब और हरियाणा में ढाबा मालिकों को उम्मीद है कि वे बजट में ऐसे उपायों का ऐलान करेंगी जिनसे उन्हें ज्यादा मुनाफा हो।